नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया। आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रही हूँ बच्चों के लिए, स्वीट कॉर्न मसाले वाले स्वीट कॉर्न। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है। अब मैदा भी मैंने ओटमिल पाउडर लिया है। कॉर्नफ्लावर में है आमचूर पाउडर, लाल मिर्च और काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, एक नींबू और धनिया पत्ता। भगोना रखा है, भगोने में मैं 1 गिलास पानी डाल दूँ, थोड़ा सा नमक डालना है। हो गया, मैंने टीस्पून के अंदर। हमें 5 मिनट तक बॉईल करना है इसको। हो गया, मेरा बॉईल अच्छे से हो गया। छान लेना है इसको। हमने बच्चों के लिए मैं मैदा नहीं ले रही, मैदा भी अच्छा है, मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ जो बड़े लोग भी खा सकेंगे और अच्छे से। 2 चम्मच मैंने ओटमिल पाउडर लिया है, 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लिया है, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, अदरक, लहसुन और पुदीना और हरी मिर्च का मैंने ये भी पेस्ट लिया है, जिससे हमारा सबको लगे कि भाई ये क्या चीज़ है करके। मैं आपको बहुत ही बढ़िया दिखा रही हूँ, कितना कलरफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो मैं नींबू, थोड़ा सा निचोड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कैरेट भी आपको डाल के दिखा रही हूँ, आपकी मर्जी है। बच्चे खाते नहीं है, अगर ऐसे खाएंगे तो चले ही जाएंगे, बच्चों के लिए अच्छा है ये। मैंने धनिया पत्ता भी डाला है, ऐसा हो जाना चाहिए। डीप फ्राई के लिए मैं ऑयल ले रही हूँ। देखिए, मैं स्पून की सहायता से आपको कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे, सुनहरे सुनहरे लग रहे हैं। आप बड़ों को भी बहुत अच्छे से खिला सकते हैं। मम्मी मेरे को मैंने ये खिलाया है। अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अगर हमारा मसाला अच्छा हो जाता है तो डिश भी हमें अलग अलग नज़र आती है और देखने के साथ ही पता चल जाता है। ये कितना अलग अलग लग रहा है मेरा। मैं कैरेट, थोड़ा बीटरूट भी ले रही हूँ, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही कलरफुल लगे हमारे। अच्छा से मैं डेकोरेशन कर रही हूँ आपके लिए। धनिया पत्ती, काली मिर्च, ये सबसे हमने डेकोरेशन करके दिखा दिया। स्वीट कॉर्न मसाला बनके तैयार हो गया है। देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं। तो देखिए, टेस्ट करके बताती हूँ। सब मसाले डाले मैंने। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।